यात्रा से प्रारंभ रखा करेंगे। जब हम उत्तर प्रदेश में हैं और गंगा उत्तर प्रदेश में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, साउथ इंडिया टूर कर करके आ गए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा भी समाप्त हो गया था। उसके बाद में वृंदावन जाने के लिए प्रस्तावना रखे थे, वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। बोर्ड पर वृंदावन की महिमा संबंधी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah.
Amen.
पढ़ने जा रहे हैं एक पीएचडी की कोर्स है चेतन चेतन अडिनल भगवत गीता जो है वो प्राइमरी हाई स्कूल तक चलेगा, भागवतम डिग्री कॉलेज में और चेतन चेतन में पीएचडी की कोर्स है। सब लोग डॉक्टर बना हो गए सुनने के बाद भगवान की कोई कथा हो, भगवत गीता हो, भागवतम हो, चेतन चेतामृत हो, सब समान ये अरसिक भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है। श्रोता और भक्ता दोनों काम यदि कृष्ण में लगा हो तब आनंद आएगा। निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से कथा कहा सुना है तो वहाँ पर बड़ी नंदन श्याम सुंदर सुमित्र का कैसा अपने निवास करते हैं। वक्ता और श्रोता के गुणों का बहुत वर्णन किया गया है, जैसा कि भागवत महापुराण में इंसान के ऋषि लोग शुद्ध गोस्वामी के विषय में कहे त्वया खलु पुराणानि स्वेतिहासानि च आख्यापानभूतानि। त्वया खलु पुराणानि निसंदेह आप इस शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं और चौ अनंत त्वया खलु पुराणानि स्वेतिहासानि च अनुभव मतलब पाप से परे। प्रभुपाद जी कहते हैं इस आसन पर उसी को बैठने का अधिकार है जो कम से कम चार वाइसेस से फ्री हो, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। अन्यत्र भागवतम में भागवत महात्म्य वर्णन किया गया है श्रोता और वक्ता के गुण का, तो उसमें पहला बात है भगवान मूर्ति, जो वक्ता है उसका मन भगवान में लगा रहना चाहिए क्योंकि भगवान के विषय में कहा जा रहा है, मन कहीं और लगा है और बोल रहे हैं कुछ तो अलग होगा। सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण में लगा हुआ था, तो जो जो कृष्ण कर रहे थे, जो जो लीला की थी, सुखदेव गोस्वामी सामने देख करके उसको वर्णन कर रहे थे। वक्ता को ऐसा ही गुण होना चाहिए भगवान मति और अनपेक्षा, किसी प्रकार की उसे अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लोग मेरा कथा सुनेंगे, चिल्ला बनेंगे, दक्षिणा लेंगे, ये सब भाव नहीं होना चाहिए। शुभदो दीनेशु सानु कंपयरा, सुहृद हो वैष्णव का गुण होता है कि सबके सुहृद होते हैं और उनके अनुकंपा इसके ऊपर दीनेशु जो तीन लोग हैं जो भगवत परायण हैं, भगवत विमुख हैं, उन पर अनुकंपा बहुधा बोधना चतुरो। बहुत कथाओं को कहा चतुर हो, चतुर का मतलब होता है ये नहीं कि ट्रिक वाला, ट्रिक बताया ट्रिक वाला नहीं, चतुर का मतलब वैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, वैसा कथा का है कि श्रोता लोग समझ सके यानी उनकी स्टेज पर, ये नहीं कैसा कथा का कि कथित बचते जाए। तो चतुरों का मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए डिलीवर करने में, लैंग्वेज सिंपल हो जो सब समझ सके, उदाहरण हो, उसके साथ साथ वक्ता और श्रोता की तारतम्य हो। पहले जब कथा होती थी उधर श्रोता लोग पत्र पुकारी होती थी, मैं सुन रहा, मैं समझ रहा, तो वक्ता चतुर होना चाहिए जिससे कि अपने आप श्रोता के मन से आए।
आप लोग बहुत करना नहीं करो लेकिन इस श्रोता के भाव आना चाहिए और वक्ता सम्मान तो भी सम्मान तब तो उसका तो वक्ता का कुछ गुण है और श्रोता का गुण कई प्रकार का है जिससे कुछ गुण मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम सब लोग श्रोता है भले मैं प्रोग्राम को सुन रहे लेकिन हम इस ग्यारह तो ये गुण हमें होना चाहिए यदि ना हो तो इसको हम लोग कल्टिवेट करने का प्रयास करें तब तो अच्छा श्रोता बन सकते। पहला है यह स्थित्वा अभिमुखम, श्रोता को सामने बैठना चाहिए अभिमुखम सामने सामने, ये नहीं कि पीछे कहीं उन्होंने बैठा हुआ है। स्कूल में याद है दो प्रकार के लड़के होते थे, ये तेज लड़का होता है आई के पीछे बैठ जाता है और ये बुद्धा लड़का था वो खुद पीछे बैठ जाता है। तेज होता था पीछे वाला है तो भी नोटबुक निकाल रहे और कुछ दिन बाद गाना लिख रहा है तो एक्सपर्ट श्रोता जो है उसको चाहिए यह स्थित्वा अभिमुखम, स्थित्वा स्थित्व ठीक से बैठे अच्छा से स्थित्वा आसन में बैठे और अभिमुखम सामने बैठना चाहिए। कैसे बैठे प्रणाम्य प्रणाम करके तब बैठना चाहिए। हम लोग यही करते हैं ना कहते हैं प्रणाम करके तब बैठते हैं, इसका मतलब नहीं समझते हैं कि यार हम सब लोग करते हैं प्रणाम करके कोई बात नहीं, प्रणाम करके और तब सामने बैठना चाहिए। और विधिवत यानी आसन पर बैठना चाहिए। सबसे अच्छा आसन है बैठने का श्रोता के लिए वह है वज्रासन पर बैठ सकते हैं अति उत्तम। अब देखें होंगे भागवत में यहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो परीक्षित महाराज वज्रासन पर बैठे हुए हैं। वज्रासन से बहुत अच्छा वज्रासन या पद्मासन विद्वासन में बैठ सकते हैं। यदि पद्मासन में न बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो सुलभासन में बैठ सकते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि वज्रासन और पद्मासन बैठने के तुम्हारा ऋण कारण ठीक है सीधा फिर नींद नहीं आएगी आलस नहीं आएगा। एक कारण यदि कोई एक अर्ध पद्मासन और दोनों कर दो पद्मासन अच्छा है वज्रासन अच्छा है सुलभासन ठीक है देर तक लेकिन बात इसलिए सुलभासन करना यानी प्रैक्टिस करना चाहिए अपने बैठने के लिए। तो विधिवत विधिवत और फिर कहते हैं त्यक्त अन्य वादो, ये सब लिखते जाओ कहते वक्ता का गुण क्या श्रोता का गुण क्या होना चाहिए। एक तो प्रणाम कर करके सामने बैठे आसन पर बैठे और कहते हैं त्यक्त अन्य वादो, कहते हैं किधर कथा हो रही है और लोग पीछे बढ़कर बात नहीं करते रहते कहते श्रोता के लिए कहते हैं त्यक्त अन्य वादो, दूसरा वाद विवाद नहीं होना चाहिए सिस्टम था। उस कई एक जगह पर जब
परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं तो कहते हैं ना मतलब हम लोग की इच्छा है सुनने की। परीक्षित महाराज कहते हैं मेरी इच्छा है ना हम लोग, यानी उनका कनेक्शन था जितने श्रोता पहले मेरे को देखा तो प्रेसिडेंट का कनेक्शन पहले साथ में होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट को जानना चाहिए कि हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो त्यक्त बहादुर, त्यक्त बहादुर एक बॉम्बे में भक्त है हरे कृष्ण, पता है प्रभु जी अंग्रेजी में बात कर इसलिए पीछे बढ़ के नहीं सुनता, उड़िया गला सुनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे समझ आए सुनना चाहिए, उससे क्या होगा कि कृष्ण का नाम तो आ रहा है ना, जीवन का लक्ष्य कृष्ण से सुनना, और कृष्ण हम लोगों के हृदय में है जरूर समझने आए। वो अपना डिवोटी है ना, जो बोलता नहीं है उसका आज कहाँ चल गया, तब शाम को बैठा था क्या पता नहीं, और वो भी हंस रहा था, वो हंसे तब भी तो पर ध्यान नहीं रहा था। तो भगवान का कथा जो है लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है, भगवान की कथा श्रद्धा पर डिपेंड करता है। यदि श्रोता में श्रद्धा होता है और जो बात कही जा रही है भगवान का और सुनेगा तो जरूर सुनेगा। तो त्यक्त अन्य बात हरेर लीला श्रोतुम अभिषिक्त हो, हरी लीला सुनने की मन में कामना होनी चाहिए, भगवान की कथा मैं सुनना चाहता हूं और अति निपुणो निपुण हो, यानी बातों को ग्रहण करे, नोट करे, ग्रहण करे ताकि उसको रिफर कर सकता है, काम कर सकता है। अति निपुण नम्रो था उसे नम्रता, ज्ञान तभी आती है विद्या प्राप्ति विनयम, ज्ञान कब आएगा जब नम्रता तदविधि परिपाति नाम ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन। तो नम्र और नम्रता का बतलाया गया है केवल वाणी से ही नहीं आचार में भी नम्र होना चाहिए। तो श्रोता के लिए कहा गया है क्लाप्त अंजलि, कृतांजलि मतलब हाथ और क्लाप अंजलि मतलब हाथ ऐसे करो। अब देखना परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं हाथ ऐसे मतलब उधर से आ रहा है कथा और एक पहन कर, इसे कहते हैं क्लाप अंजलि हाथ से प्राप्त करने का मुद्रा होना चाहिए, मुद्रा मुद्रा होना चाहिए श्रोता का। और शिष्यों, शिष्य मतलब प्रोवाइडर डिसाइपल मींस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए कथा सुनने में, ये नहीं कि फोन आ गया तो बात करें ना हरी से चल जाते कौन सा भाग कौन बंद कर दो सब, डिसिप्लिन होनी चाहिए शिष्यों। हम जो जिसमें डिसिप्लिन नहीं है दूसरे को डिस्टर्ब करता है, अपना ही जरूर हो सकता है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। शिष्य विश्वस्तो अनुचिंतना परा, विश्वास होना चाहिए और जो भी कथा सुनते हैं उसका चिंतन करें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं उसको, और प्रश्न अनुरक्ता श्रोता को प्रश्न में अनुरक्त रहना चाहिए, सुनेगा प्रेमाधव प्रभु सोएगा तब प्रश्न अनुरक्त नहीं रहेगा, सुनेगा तब प्रश्न
प्रश्न अनुरक्त, प्रश्न में अनुरक्त रहे, यानी प्रश्न पूछता है, प्रश्न अनुरक्त सूची स्नान अत्यधि करके कथा सुनने जाना चाहिए। सोलह माला जप हो जाए, स्नान हो जाए, तब थोड़ा मजा आए, नहीं मंगलारती के बाद जाकर फिर सो गए और कथा करना जब भाग कर दिया वहां पर सूची केवल शरीर पवित्र रहेगा तो मन पवित्र रहेगा। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, शरीर पवित्र रहेगा तो मन पवित्र रहेगा, मन पवित्र है तो मन एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो बुद्धि से तारतम्य होगा, और बुद्धि से तारतम्य होगा तो वह बुद्धि से जो कथा सुनेगा वो हृदय के अंदर प्रवेश करेगा कान के द्वारा। तो सूची होना जरूरी है। बाहरी पवित्रता स्थान त्याग कर करके और आंतरिक पवित्रता भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सूची नित्यम पवित्र रखना चाहिए। और कृष्ण जनप्रिय निगदतम, कृष्ण जनप्रिय, कृष्ण की जो जन है यानी जो भक्त लोग हैं उनके प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, भक्तों के प्रति सम्मान होना चाहिए। श्रोता सवई भक्त भी वह फर्स्ट क्लास का श्रोता है, श्रोता के गुण थे, भक्ता श्रोता दोनों के गुण बता दिया। और जो मैं कहा थोड़ा गर्भित है उन लोगों को कराना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान चेतन महाप्रभु की लीला सुमधुर है, इस सुमधुर लीला को प्राप्त करने के लिए हमें मधुरता होना चाहिए, कम से कम जो वक्ता के गुण है वो कुछ जरूर होना चाहिए। तो चलिए आज जैसा कि बात हुआ है भगवान चेतन महाप्रभु के वृंदावन गमन नाम के अध्याय से हम लोग पढ़ता करेंगे। उत्तर प्रदेश में चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथ आज को कहीं महीना था छब्बीस फरवरी को जो महीना जड़ा जड़ा निकल रहा था, तो उसके बाद गच्छं वृंदावनं गौरो व्याघ्रणाम्फलाम्बने प्रेममत्तं सहोदरं विदधे कृष्णजल्पनः ऑन हिज वे टू वृंदावन। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु पास थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ द्वारका and made all the tiger, elephant, deer and bird chant the Hare Krishna Mahamantra and dance. Thus all the animals were overwhelmed by ecstatic love. So Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Odisha se prasthan kiye Vrindavan jaye. Odisha se jab koi Vrindavan jayega तो कई राज्य पार करने होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश आजकल छत्तीसगढ़ आ गया है, बिहार और आजकल और झारखंड हो गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए वृंदावन आ गया। चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किए कि राजमार्ग से नहीं जाएंगे, यानी रोड से नहीं जाएंगे, बाईपास ले जाएंगे, जहां पर गांव में हो या शहर में हो उस रास्ते से। तो जंगल के रास्ते से जाने का वे निर्णय
तो झारखंड के जंगल से महाप्रभु प्रस्थान किए। तो आज की जो कथा है वो झारखंड वन की कथा है। आज हम आपको काशी तक पहुंचाएंगे, वाराणसी से वहां तक पहुंचाएंगे। तो आगे कथा वाराणसी तक होगा, उसके बाद भगवान चंद्र महाप्रभु का फिर वाराणसी में है, उसके बाद प्रयाग, प्रयाग से मथुरा प्रस्थान। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। हम प्रयास करेंगे दो अध्याय खत्म कदम करके फिर भी कोई मतलब ठीक है। तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अलगाव होता है, यहां तक दुश्मन आदत।
कंसर्न करना अच्छा होता है मित्रों में पत्रिणी से योगी सब तो महाप्रभु यहाँ पर एक इसका परामर्श दूसरा बात यह भी है यदि हम सलाह का अगर कोई काम करते हैं तो सब लोग उस काम में भागीदार हो जाते हैं। यदि हम वहां पर वही भी हैं तो अन्य लोग हैं उन्होंने कहा है ऐसा काम होना चाहिए तो सब लोग मिलकर करते हैं। यदि सलाह न ले अपने मन से पहले चले जाए कोई बात नहीं चले गए खराब का काम उनका करने वाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत बड़ी जगन्नाथ के बहुत भक्त थे उनके साथ में और उन भक्तों का देखभाल करना उन लोगों का पोषण चैतन्य महाप्रभु करते थे हरि भजन कराकर कितने भक्ति देकर तो उन लोगों के पोषण का भाव स्वरूप दामोदर और राय रामानंदन और चैतन्य महाप्रभु दे रहे तो इन डे उन लोगों से परामर्श लेकर के उन लोगों में हाँ नाम का कहते रात्रि उठी बने पथे पलान पलान जावे एकाई जाइयो कोई संगे ना लईबे। भगवान चंद्र नाथ को कहते हैं कि मेरा प्लान है कि आज रात्रि विश्राम करें शांत रूप रहे थे मुझे बात करने के लिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग भोर में शुरू करके और मैं रोड न पकड़ करके जंगल के रास्ते से अकेला जाऊंगा। मैं अपने साथ में किसी को नहीं ले जाना चाहता और कहेंगे आप लोग केहा जदि संगे लयो पाछे विधाय सवारे राखी बाजे न केहा ना ही जाए। यदि किसी को भनक लग जाए तो मैं तो उसको उठकर जा रहा हूं और वो मेरे पीछे दौड़ना चाहे आप लोग उसको पकड़ करके अपने साथ रखना उसे जाने मत। फिर कहते हैं प्रसन्न हयाज्ञा प्रसन्न हयाज्ञा दिवा नामानि वदु तुमा सबार सुख पथे हवे मोर सुख। कहते आप लोग प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा देना दुख मत मानना। यदि आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो रास्ते में यदि मुझे कोई तकलीफ भी होगा तो भी सुख प्रकट हो जाएगा। यानी यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्न हैं आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता बड़ापन है। संसार में लोग स्वार्थी हैं संसार में लोग स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं थोड़े झंडे में जाए लेकिन बड़े लोग छोटों को प्रसन्न करना चाहते हैं। छोटे लोग प्रसन्न रहेंगे तो बड़े अपने आप प्रसन्न काटते हैं बच्चे प्रसन्न रहते हैं तो बाप माँ अपने आप प्रसन्न रहते हैं। तो एक तरफ से माँ को कह रहे हैं कि यदि आप लोग खुश रहेंगे तो मैं निश्चिंत भाव बन जा सकता और आप लोग अपना चलना शुरू करोगे यहीं पर तो मैं कैसे जाऊंगा। हमें तो याद आती रहे कि आप लोगों ऐसा सुन करके दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र इच्छा से करीब नहीं नहीं परतंत्र आप स्वतंत्र ईश्वर है जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करें आप हम लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है आपकी बड़पन है कि आप हम लोगों से परमिशन पूछ रहे हैं। किंतु हमार तुम्हार सुना एक निवेदन तुम्हार सुखे आमार सुख पहला आपने किंतु हमार तुम्हार सुना एक निवेदन है कहते कि ठीक है इच्छा है आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएंगे लेकिन हम दोनों के मन में एक इच्छा है हम लोग आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपने ही कहा है कि आप लोगों के सुख में हमारा सुख रहेगा। चेतन महाप्रभु की कहे गए बात को दोहरा रहे हैं तुम्हार सुख के हमार सुख पहला आपने कहा है कि आप लोगों के सुख से हमारा सुख रहेगा तो
क्या आगे को करना चाहते हैं जिससे लोग सुखी हो जाएंगे। कहते हैं अमा दुहार मन ही तबे बड़ा सुख हो एक निवेदन जति हृदय हमारे हम लोगों के मन में बड़ा क्षमता होगा यदि हम लोग का एक रिक्वेस्ट है आप स्वीकार करो। तब कौतूहल बनते जा रहा है वहां पे क्या ही चाहते हैं। उत्तम ब्राह्मण संगे अवश्य चाही भिक्षा करी भिक्षा दिवे जावे पात्र वाही। हम लोग की इच्छा है कि एक उत्तम फर्स्ट क्लास का ब्राह्मण अपने साथ में आप जरूर कर जाए। महाप्रभु कह चुके हैं मैं अकेला जा रहा हूं। महाप्रभु ने कहा देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं
कि मैं किसी को अपने साथ नहीं लूंगा, मैं अकेला ही गया। तब वे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने संगियों में से किसी को नहीं लूंगा। ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कि नया ब्राह्मण है, बिल्कुल फ्रेश है, ब्राह्मण है और बहुत शांत है, उसके गुण का पूरा वर्णन किए कि कैसा ब्राह्मण है और ये आपको कोई तकलीफ नहीं है। भगवान चेतन महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर पर गए थे तो अपने साथ में एक भक्त लेकर गए थे काला कृष्णदास, और बड़े परेशानी पड़ गए चेतन महाप्रभु काला कृष्णदास के साथ में। इसलिए वंस बर्न ट्वाइस आई कहते हैं, दूध से मुंह जलता है तो झांक लो खूब खूब कर देते हैं। तो भगवान चेतन महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर पर गए थे तो काला कृष्णदास को साथ में लेकर गए थे, और वे काला कृष्णदास स्त्री के फेरे में पड़ गए थे। महाप्रभु को बड़ा परेशानी हुई थी उनको वहां से उन लोगों के संग से निकालने में। इसलिए भगवान चेतन महाप्रभु अकेला जाना चाहते थे, मन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अकेला रहेंगे तो चलो जो भी होगा, अब एक साथ में रखेंगे तो उस पर जो बीतेगा वो भी अपने आप रहेगा, तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो जिसका मन डिस्टर्ब हो वैसे व्यक्ति का स्तर नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कंचन और कामनी एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के मन को डिस्टर्ब कर देता है। कंचन और कामनी, स्त्री और धन। तो जिसका मन धन और स्त्री में लगा हो उसका संग नहीं करना चाहिए। बैरागी भाई ग्राम वार्ता ना करी वो, ग्राम वार्ता ना सुनी वो, सपने ना करो वो स्त्री संभाषण। जो साधु बनना चाहता है उसे बहुत केयर को रखना चाहिए। ग्राम वार्ता ना करी वो, ग्राम वार्ता मतलब पॉलिटिकल डाक या गांव का बात, मतलब प्रजा को ग्राम वार्ता ना करी वो, ग्राम वार्ता ना सुनी, और न तो कहना चाहिए न सुनना चाहिए। सपने ना करो स्त्री संभाष, सपने भी स्त्रियों से बात नहीं करेंगे। यदि बैरागी बनना है तब साधु बनना है, तो जिनका मन स्त्री और धन में लगा रहता है उनका मन हमेशा डिस्टर्ब होता है। प्रणाम जी भी यही कहेंगे, सदा समुद्रिय असत ग्रहाय, और इन लोगों को ग्रहण करने से सदा सम उद्विग्न दिया, कॉन्स्टेंटली माइंड डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए भगवान चेतन महाप्रभु नहीं चाहते थे ऐसे लोगों का कंपनी। आफ्टर ऑल माया खूब स्ट्रॉन्ग है, भगवान के साथ में काला कृष्णदास थे, चैतन्य महाप्रभु भगवान है उनके साथ में थे, फिर भी माया उसमें। इसीलिए शांति मन से वे वृंदावन जाना चाहते थे, वृंदावन शांति मन से जाना चाहते। स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य तुम्हारा सुस्निग्ध पंडित साधु आर्य। लेकिन जिस ब्राह्मण का हम नाम बता रहे हैं उनका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य। ये बलभद्र भट्टाचार्य कहीं कहीं लोग बल्भाचार्य रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि ये बलभद्र भट्टाचार्य है तुम्हारा सुस्निग्ध। सुस्निग्ध, स्निग्ध मतलब प्रेम, और सुस्मिता का प्रगाढ़, आपके प्रति इसमें प्रगाढ़ प्रेम,
जब किसी का हम सेवा करें तो सेवक में यदि प्रेम हो, सेवा करने वाले तब उसको मजा आता है। ना ये बजे अपनी जॉब जाऊंगा और सेवा करूँ, उसका मन नहीं है, क्या करें। तो सुस्निग्ध भागवतम में भी यहाँ कहा गया है, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय है उसको आठ में, ब्रूहि सिद्धस्य शिष्यस्य गुरुजो पुण्यम अकृतः। प्रेम होना, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है जिसका हम सेवा करने जा रहे हैं। तो यह बात जानते श्रद्धांगत, इसीलिए वे कहे और ऐसी ब्राह्मण का जो कि जिसमें प्रेम हो, उसके बाद बड़ो पंडित और शास्त्र के विषय में जानता है, जिसके पास पंडा, पंडा का मतलब अगर पंडित हुआ है तो सत और असत में भेद कर सके, यह सही है और गलत है। सही और गलत जो भेद करता है वह पंडा है, वह पंडित कहलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि कवयत्री पंडा उसी प्रकार का है। और साधु सरल भाव का है, साधु सरल भाव का है और आर्य का आचरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक तात्पर्य करते हैं कि यह आर्य डुप्लीसिट नहीं है, इन भी अंदर से आर्य यानी खानदानी मोटा मोटा खानदानी, ये कोई बदलेगा नहीं, ये नहीं कुछ काम करना हो सेवा करेगा। प्रभु पति भक्ति जोरे मछली गोस्वामी साई नाम देखे ऐसा व्यक्ति नहीं है, यह आर्य इसलिए आप उसको ले लीजिए। और क्या परिचित है कि आप शायद भूल गए होंगे लेकिन यह बंगाल से भी है, ये स्वाभाविक है, बॉडी कॉन्शियसनेस मत समझना आप लोग, लेकिन ये होता है। जैसे हम लोग कभी विदेश जाए और कोई इंडियन मिल जाता है तो स्वाभाविक उसके प्रति थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उतना ही नहीं वो इंडियन भी आपके स्टेट का हो, जिस स्टेट के आप हैं उतना और प्रेम बढ़ जाता है, वो भाषा हो जाती है। उतना ही नहीं आप जिस गांव के हैं, बॉम्बे जिस शहर के हैं, कानपुर के हैं, वो कानपुर वाला मिल जाए तो और बड़ा बढ़ जाता है प्रेम। उतना ही नहीं आप यहाँ रहते उसके उसी मोहल्ला का कोई मिल जाए तो और प्रेम, क्योंकि परिचय होते जा रहा है ना, विश्वास होते जा रहा है। तो इसी प्रकार से दामोदर कहा कि यह बंगाल नहीं है, जब आप आए थे तो आपके साथ में यह भी आया था, और उतना ही नहीं इसकी बड़ी इच्छा है, बड़ा इच्छा लेकर के आया था आपके साथ में कि आपके साथ में विभिन्न तीर्थस्थानों का यह दर्शन करके बंगाल छोड़ करके जगन्नाथपुर में आया था और यह चाहता है आपके साथ। एक दूसरा बात है वो गुण तो है लेकिन गुण होने के साथ साथ उसकी इच्छा भी है आपकी सेवा करना, ट्रेवल करना। कोई यहाँ पर तो कहा जाए कि चलो भाई चलो ना, अरे तो हमारा गुण का प्रोग्राम बाकी रह गया है प्रोग्राम में, सब गुण होने के बाद अगर इच्छा ना हो तो बेहतर है, तो इसकी इच्छा भी है आपका सेवा करने। तो यहाँ तक तो नाम प्रभु स्वीकृति देवी, लेकिन स्वरूप दामोदर राय राम नाम में सब कुछ सुनिश्चित करना चाहते थे कि महाप्रभु को किसी प्रकार का तकलीफ न हो, एक आदमी आगे करेगा क्या। तो फिर कहते हैं एक और थोड़ा सा छोटा प्रार्थना और क्या हो गया, तो कहा कि हम लोग की इच्छा है कि अपने सेवक के रूप में एक और ब्राह्मण आप ले लीजिए। अमृतेश प्रभु सुन रहे हैं ना, हमें वृंदावन चल रही है
उन्होंने कहा कि एक और ब्राह्मण दे दीजिए जो कि आपका सेवा करेगा, सब कुछ का व्यवस्था करेगा और ये आप लोग कुकिंग कर खिलाएंगे। और ऐसे भी जंगल के रास्ते आप लोग जा रहे हैं तो जंगल बड़ा बिहड़ होता है, खतरनाक होता है। जंगल मतलब समझते हैं ना, जहाँ खूंखार लोग रहते हैं, कोई आदमी नहीं जानता है, अरे जंगली आदमी ये कोई आचार विचार ना हो, खूंखार हो, भाषा का ज्ञान ना हो, जंगल कठिनाइयों से भरा पड़ा होता है, बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जो जंगल में निवास करना सीख लेता है, जो जंगल का हो जाता है, तो उसके लिए जंगल मंगल है, जंगल मंगल बनाता है। यहां तक कि जगत जननी सीता जी जब अयोध्या आ गई तो प्रभु श्री राम से एक बड़ी कामना की कि मन करता है कि पुनः हम जंगल में चले, बड़ा अच्छा था। तो वहां नाम नहीं लिया जाता, ठीक है बिठूर चले जाओ, तो जंगल वास्तव में अच्छा है। कब अच्छा है, और जंगल का हो जाओ, खतरनाक जगह है, उसे छेड़छाड़ मत करो, उसका रूल फॉलो करो, जंगल का नियम पालन करोगे तो जंगल के पशु पक्षी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपको अपना स्वीकार अपना लेंगे। हम लोग बहुत छोटी छोटी कहानियां पढ़े कि कैसे एक बच्चा था वो तो जंगल में भूल गया, तो शेर से उसकी दोस्ती हो गई, शेर हाथी कहा गए उसको अपने पीठ पर चढ़ाकर सैर करा हुआ है, तो दोस्ती हो गई। तो जंगल का बन जाओ यानी जंगली बन जाओगे तब सब ठीक है, नहीं तो जंगल है बहुत तकलीफ, कोई रास्ता नहीं है, कंकड़ है, पत्थर है। भगवान कृष्ण जब गोचारण करने जाते थे तो गोपियां ध्यान करती थी कि कृष्ण के सुकोमल पैर में एक कंकड़ पत्थर लगेगी, चोट लगेगा, मूर्छित जल्दी गोपियां, कटीले झाड़ियां हैं, खूंखार पशु पक्षी हैं, जंगल का रास्ता बड़ा बीमार होता है, बड़ा खतरनाक होता है, गहन होता है, झाड़ियां होती, रास्ता कभी दिखाई पड़ता है, जंगल का बहुत प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन सौदा का एक खतरनाक रास्ता है। हम चाहते हैं कि आप दो को लेकर जाए जिससे किसी प्रकार का तकलीफ न हो तो हम सब लोग खुश होंगे। आपको याद है ना, आपने कहा था कि आप लोग खुश हैं जैसे हमारी खुशी, हम लोग खुश होंगे। अब महाप्रभु के बांध लिए थे, कुछ बोल नहीं सकते तो कहा कि जो दूसरा ब्राह्मण है आपका कपड़ा धोएगा, बर्तन धोएगा और भिक्षा मांग करके लाएगा और भद्रभट्टाचार्य पाक करेंगे, खिलाएंगे। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंदन के बात को स्वीकार करके और बलभद्र भट्टाचार्य और उस ब्राह्मण को लेकर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उस रात्रि वे लोग शांति से सोए और पांच के अलावा कोई नहीं जानता था कब क्या होने वाला है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले अर्ली मॉर्निंग भगवान चैतन्य महाप्रभु चुके एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ के परमिशन ले चुके थे कि मैं वृंदावन जाऊं, और उस दिन अर्ली मॉर्निंग भगवान चैतन्य महाप्रभु जगे और चल दिए वृंदावन के लिए। जब सब लोग उठे तो जगन्नाथपुर में भक्तों के जीवन थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, सोने जाते थे, वो सोने जाने का मन भी नहीं करता था, महाप्रभु के साथ में हमेशा 24 घंटे जाते, ज्यादातर सोने, महाप्रभु का दर्शन कर करके प्रणाम कर करके आशीर्वाद लेकर जाते थे, और जगने के तुरंत बाद महाप्रभु का दर्शन चाहते हैं।
ये हम लोग खुद में फॉलो करते थे। हम लोग भी सुबह मंगल शुक्र के प्रार्थना करके भगवान को गुरु को और सोते थे और जगने के बाद पुनः प्रणाम अभी अभी करते हैं नहीं करते हैं ना करना चाहिए। तुरंत प्रणाम करते थे गुरु को विष्णु को दर्शन करते थे। कितने भक्त तो आँख भी नहीं खोलते तभी बोलेंगे भगवान माँ तब। तो इस प्रकार से ये भक्ति का भाव है। तो प्रत्येक दिन सुबह सुबह महाप्रभु का दर्शन करने भक्त को आते थे लेकिन उस टाइम पे महाप्रभु का वे दर्शन नहीं कर पाए। आपस में वार्ता होने लगी महाप्रभु कहाँ गए महाप्रभु कहाँ गए और सब लोग व्यग्र हो गए। कोई किसी प्रकार के व्यग्र हो गए महाप्रभु कहाँ गए कोलाहल को चल गया। स्वरूप दामोदर और रामानंद दर्शन स्थान और ये बतला नहीं रहे हैं कि महाप्रभु कहाँ गए सब भागे थे वृंदावन जाए तो कोई रोड दिया था कोई जंगल दिया था बताए नहीं। हालांकि स्वरूप दामोदर आ रहे हैं जाने थे कैसे जा रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं लेकिन बताए नहीं। तो इस प्रकार से भगवान चले कटक को अपने दाई तरफ छोड़ करके और कटक के पास से ही छत्तीसगढ़ में जंगल में प्रवेश किए। आज मैं झारखंड फॉरेस्ट का पूरा मैप देख रहा था और झारखंड फॉरेस्ट को भी देख रहा था। बड़ा साफ काय झारखंड फॉरेस्ट लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा कितना है 26,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर झारखंड की लंबाई चौड़ाई। तो वास्तव में जंगल है वहां पर केवल इस प्रदेश में जहां जहां झारखंड जहां जंगल गया है आजकल झारखंड मतलब रांची वगैरह कुछ जगह है और छत्तीसगढ़ में तो बड़े कल 30% लैंड है यहाँ पर कल्टीवेशन चावल डाल दिया जाता है और सब 70% केवल जंगल है झारखंड यहाँ पर हो गया है और बिहार प्रदेश है कोई ऐसा जंगल नहीं है जहाँ पर ये मध्य प्रदेश का भाग है ना वर्षा हमें यूपी मध्य प्रदेश उड़ीसा और बंगाल और बिहार से टकरा हुआ है तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होता है। तो बहुत विशाल काय वृक्ष है बड़ा बड़ा जंगल है और चैतन्य महाप्रभु उधर से होकर जाने का इच्छा की। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जा रहे थे रास्ते में हमेशा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जंगलों में झुंड के झुंड हाथी शेर बाघ ये सब आते थे लेकिन महाप्रभु जब गाते हुए जा रहे थे तो सब लोग रास्ता पर साइड में आजकल रोड पर गाड़ी चलाओ हॉर्न दो तो खड़ा है गाड़ी चलाओ हॉर्न दो तो खड़ा है और महाप्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण गा रहे थे साइड में महाप्रभु के रास्ते में अवरोध नहीं पड़ते। वास्तव में कृष्ण का नाम लिया जाए तो खूंखार व्यक्ति भी रास्ता दे देगा कोई तकलीफ नहीं होता। नहीं तो बड़े बड़े शहर में रहना बड़ा मुश्किल होता है इनकम टैक्स सेल टैक्स पूरी बात पुलिस वालों को नजर रखता है लेकिन हरे कृष्ण वालों को किसी का नजर नहीं रहता है कोई तकलीफ नहीं शांति से रहते उनको डिस्टर्ब मत करो शांत करो ये जंगली जानवर ये शेर और ये लोग हैं उनको डिस्टर्ब मत पैदा नहीं काम सदर दोस्ती रखते सबको हरे कृष्ण कभी कभी ट्रैफिक लाइट में हम पकड़े जाते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा अरे महाराज आप नहीं ऐसा करोगे तो और क्या करेंगे ठीक है ये
हमारे ड्राइवर लोग बड़े फेर बन जाते हैं, ये हमारा बैठने को भी नहीं प्रभु जी बैठे। तो कृष्ण का केवल नाम के लिए सरकार आप जबरदस्ती तो इस प्रकार से जो तनाव जा रहे थे और ये लोग उनको रास्ता दे रहे थे। तो जब नाच रहे थे गा रहे थे तो कई उनके साथ में मिले, बाघ मिले, हाथियां मिली, जंगली भालू मिले और भगवान उनके सामने से उनके बीचों बीच कहीं कहीं तो पार कर जाते, पूरा झुंड है। आप लोग कभी देखे हो वो भेड़ बकरियां जब पार करती है रोड को उनके बीच से पार कर जाते बस, तो वैसे ही भगवान जी तो वहां लोगों के बीचों बीच पार कर रहे हैं और भद्र भट्टाचार्य सारे डरे हुए थे पाकर और गए के लोग मत रहे तो वे डरे हुए थे और देख रहे थे। लेकिन भगवान चित्र महाप्रभु के पास से ये सब जानवर एक साइड खड़ा होकर के इन महाप्रभु को देख रहे थे। देखो बंदर मानो देख रहे तो ये जानवर भी भगवान चित्र महाप्रभु प्रेम श्याम सुंदर है उनका दर्शन कर रहे थे। क्या सौभाग्य है इन जानवरों का, इस सौभाग्यशाली हम आपने जो महाप्रभु का दर्शन किए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं महाप्रभु का दर्शन प्रभु जी के पास। हम लोग भी जानवर ही हैं, अंतर इतना ही है कि वो फोर लेगेड है हम लोग टू लेगेड है। यदि हम कृष्ण भजन ना करें तो धर्मा विहीन सभी हरा सभी समान। तो इस प्रकार से आज लगता है समय बीत गया तो छुट्टी आप लोग की स्कूल कॉलेज और तो चलेगा ना। चेतन महाप्रभु कृष्ण का नाम लेते हुए जा रहे थे और लोगों को रास्ता के मिलते कहीं कहीं तो चेतन महाप्रभु के पैर में लोग छुआ जाते हैं छू देते हैं। एक दिन की बात है ऐसे ही एक शेर पड़ा हुआ था और चेतन महाप्रभु रास्ते से जा रहे थे और उस शेर को अपने पैर से छुए और महाप्रभु ने कहा रामचंद्र जी सुनिए क्या महाप्रभु ने कहा आपको भी करना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहा भाई तू क्यों सो रहा है जीव जागो बुरा चांद बोले बदाय निद्रा जाओ माया अरे जीव जगो कितना सोएगा बोलो कृष्णा 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 और उसे रुक गया तो पैर में तो पर आप सोए कृष्णा कृष्णा और ना सुने और बलवंत बड़ा जब देख रहे हैं बेचारे अरे हुए दूसरे दिन भगवान चित्र महाप्रभु स्नान कर रहे थे तो वहां पर जंगली हाथी पागल जंगली हाथी का झुंड आया पानी वहां पर स्नान कर हाथी कितने दिन हम देख रहे थे कि हम लोग सब करते हैं नहीं डर रहा है दिन आ रहा है कौन है जाना कर रहे आप लोग अपना चिंता मत करो हमें तुम्हारे ही हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हाथियों को पानी से बहुत प्रेम है, उन लोगों को पानी में छोड़ दो तो आने का नहीं। हमें याद है पद यात्रा जब आया था तो हमारे गांव से दूर हमारे गांव में एक बहुत सुंदर तालाब पांच से करते बहुत बड़ा और पद यात्रा में पहले हाथी भी हम भी हम एक हाथी और जो बच्चा था वो मुहावत लेकर गया वो मुहावरा जब गर्व क्या तो वो लेकर गया जल में। मुझे पता है 10 बजे सुबह हो प्रवेश की
सांप तो आपको निकलने का नाम है नहीं है, एक मुहावरा जा रहा है, डूब कर निकलते तो डूब के डूब 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 कर आ रहे हैं, भाग रहे हैं चारों तरफ, ये नहीं रहे हाथ में, बड़ा परेशान हो गया, ये सांप को तो हाथी को पानी से बड़ा और चंद्र मामलों को जानते थे। तो दोस्त बनने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि किसको क्या चीज की जरूरत होती है, तब दोस्त बन सकते। छोटा बच्चा दोस्त बनना अच्छा कर देगा तो दोस्त बन जाएगा। तो हाथियों से दोस्त बनना है तो पानी जरूरी है। तो हाथी बड़ा देख रहे थे महाप्रभु को, महाप्रभु पानी से हाथियों को छिड़कने लगे, पानी छिड़कने लगे, तो हाथी से हमारे बड़ा दोस्त है। तो महाप्रभु उसे इस प्रकार के हाथियों से दोस्ती हो गई और वे हाथी भी वहां पर इधर शेर इधर हाथी, ये सब लोग वहां पर एकत्रित थे और महाप्रभु उन लोगों पर पानी डाले हाथियों पर और पानी डालकर बोले बोलो हरे हाथी है शेर है क्या है, सबसे हरे कृष्ण बुलवा रहे थे, क्योंकि सबको सबका कृष्ण को अधिकार है, सब कृष्ण के हैं। इस प्रकार से सबको कृष्ण भक्ति देना चाहिए। सठ गोस्वामी का वृंदावन में जब थे धीरा अधीर जरम प्रिय प्रभु, सबको प्रिय कर महाप्रभु के अनुवाई है, हम सब महाप्रभु के अनुवाई हैं, इसलिए बिना भेदभाव के सबको हरिनाम देना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए, सब कृष्ण के हैं। कल तक हम लोगों ने सुना कैसे हरिदास ठाकुर नित्यान प्रभु जगह पढ़ा, सब लोग मना कर रहे हैं, सबको देना चाहिए हरिनाम बिना भेदभाव। तो इस प्रकार से महाप्रभु उन लोगों से हरिनाम हो पाए। हमें हाथी का शरीर विशाल काय होता है, उनका आंख बहुत छोटा होता है और बुद्धि भी वैसे ही डल होता है, नहीं तो छोटे से अंकुश में थोड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा शरीर वहां थोड़ा अंकुश से उसको कर देता है कमजोर। तो इस प्रकार भगवान चंद्र महाप्रभु ऊपर पानी छिड़के कृष्ण नाम दिए और लगे नाचने का। और ये हाथी भी जोर जोर से चिहाड़ने लगे और दो पैर पर खड़ा होकर के आनंद मग्न होकर के नाचने और गाने लगे। तो इस प्रकार से भगवान चंद्र महाप्रभु ने लोगों ने जोर जोर से पुकारते थे कृष्णा 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 कृष्णा, क्योंकि वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन का स्मरण कर रहे थे और कृष्ण को ढूंढ रहे थे। हे राधे गणदेव के चरण दे, हे नंद सुंदर सर्व स्वामी लोग ढूंढते थे वृंदावन में, हे नजराज का हे कृष्ण आप कहां हो, वैसे ही जोर जोर से पुकारते थे और कृष्ण का हो। जब भगवान इस प्रकार से कृष्ण नाम लेते थे तो जंगल से भी वैसा ही आवाज आता था, रिस्पॉन्ड होता था, इतने वृक्ष हैं अभी तो जानवरों को वहां वृक्ष और पत्थर कोई जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब में कृष्ण है, पत्थर में भी कृष्ण है, पत्थर में भी जीव है। ये महाप्रभु बाहर रहे थे तो उधर से रिस्पॉन्ड आ रहा था जंगल से, पहाड़ के पत्थर से टकरा टकरा करके, तो मानो पूरा वातावरण कृष्णमय वातावरण हो गया था। अब जब चेतना आगे बढ़े तो गाते हुए जाते, तो महाप्रभु के वाणी में इतना मधुरता है, इतना मधुरता है,
हरिण है वो हरिणों मधुर वाणी के बड़े प्रिय होते हैं, बांसुरी कोई बजाए या मधुर भाव से मधुरता से गाए तो हरिण वहां आ जाते हैं। तो हरिण लोग भी वहां पर आ गए। भगवान चेतन महाप्रभु के लेफ्ट और राइट में चल रहे, महाप्रभु गाते हुए जा रहे थे, उर्ध्वबाहु का कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम साथ होता है।
ये है हरिनाम का प्रभाव। हरिनाम आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना ये पान होता हुआ ले जाता है। हरिनाम पावन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और जब महाप्रभु ने देखा किस प्रकार से हरे और बाघ एक दूसरे का चुम्बन कर रहे हैं, नाच और गा रहे हैं, सब पशु पक्षी वहां पर गा रहे हैं, यह देख करके महाप्रभु के आनंद से हृदय भर गया। उसका कोई बड़ा वहां पर नहीं था और महाप्रभु हंसते हुए वहां से आगे बढ़े। अब रास्ते में एक पशु का हो गया और पक्षियां मिल गई, मयूर, उसके बाद तोते और विभिन्न प्रकार की पक्षियां। वे लोग भी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुन रहे थे तो वे लोग भी गाना सुन, और भगवान जोर जोर से कहते हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जब गाते थे तो पशु पक्षियां भी एक गाने में, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के गाना सुन करके वृक्ष भी नाचने लगे और पूजे खाने लगे। तो जड़ और चेतन सब महाप्रभु के साथ में नाच और गा रहे थे और कृष्ण नाम ले रहे थे। फिर कहीं कहीं जंगल में छोटा मोटा बस्ती भी मिल जाता था, छोटा मोटा बस्ती मिल जाता था, और उन बस्ती में जो लोग रहते थे यानी आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी मतलब ओरिजिनल रेजिडेंस, हम लोग ओरिजिनल है, मतलब अपने लोग शहर में आए और रहते हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर करके लोग अभी तो कहते थे केह जदि तार मुखे सुन कृष्ण नाम, तार मुखे ज्ञान सुने तार मुख सभी कृष्ण हरि बोले नाचे गांदे हासे परंपराय वैष्णव भैल सर्वदेशे। इस प्रकार से महाप्रभु जा रहे थे तो जिससे भी जब बोलो भाई हरि बोल हरे एक व्यक्ति वो पागल थे, बोलो भाई हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार सब लोग हरे कृष्ण गाना शुरू किए। परंपरा से महाप्रभु ने एक को बिंगो दिया दूसरे को तीसरे को तीसरे को, इस प्रकार की परंपरा से यह नाम यह है परंपरा से नाम वैसे ही प्राप्त है और परंपरा से ये प्राप्त किया गया है तो वही प्राप्त हो सकता है भगवान चंद्र महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के आनंद भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हो रहे थे। असाधु के विकार उन्हें प्रकट हो रहा था लेकिन उनके भय से वहां पर उसको प्रकट नहीं कर पा रहे थे, तकसील किए थे लेकिन फिर भी नाम कीर्तन गाते थे और गवाते थे। तो महाप्रभु को कुछ लोग देख करके कुछ लोग सुन करके कुछ लोग गा करके इस प्रकार से डिलीवर हो गए। आज भगवान का नाम कोई भी लेता है क्या गंगा मधुर प्रसाद गंगा यमुना क्या गंगा मधुर प्रसाद आवीर गंगा यमुना इसके जीवा के अग्रभाग पर भगवान का नाम आ जाता है। वो सब प्रकार का तपस्या कर लिया, सब दान दे दिया, सब प्रकार से सुन हो गया। नाम ही गुण है, नाम की बड़ी महिमा है। इस प्रकार से सब लोग नाम दे रहे थे, सब लोग नाम दे रहे थे, मलिच लोग भी नाम ले रहे थे।
इस प्रकार से भगवान चेतन महाप्रभु पहले तो साउथ इंडिया में, बंगाल में, उड़ीसा में लोगों को दिग्भर किए और झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश तरफ आ रहे हैं। वे कुछ ऐसे लोगों से मिले जो नंगे धड़के काले थे, भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग भी उसी प्रकार से विचार करते हैं। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगल में वहाँ पर लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं, वो हमें बताए उन लोगों को क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हीं लोगों का वास्तव में एक भी कोई ऑर्डिनरी ब्रज लीला में भी ब्रज की गोपियां उन भीलों का गुणगान करती, उन भीलनियों का गुणगान करती, ये भीलनियां कितनी सौंदर्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है कि जब ये नंदन श्याम सुंदर जंगल में चलते हैं तो उनके पैरों का जब छाप पड़ता है और जो लालिमा घास में छा जाती है उसको उठा करके लिनिया अपने शरीर में अंगराग के रूप में लेपन करती है, तो उन वीर और विलनों का वर्णन भागवत में किया गया है। जब गोपियां गुणगान की है और यहाँ पर भील लोग भी नाम क्या प्रदूषण, जो बिल्कुल काले दरोड़े में कोई संस्कार नहीं, भाषा भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा भाषा है कि इंटरनेशनल भाषा है, इन्हीं भारतीय भाषा है। अन्य कोई जगह का व्यक्ति भले हिंदी न जाने, संस्कृत न जाने, हरे कृष्ण कोई काम होता है, ये सब भाषा फिट हो जाएगा, इसके लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिन का बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जा रहे थे इन जंगलों को देख करके वृंदावन का स्मरण करता, गोवर्धन का स्मरण करता और वल्लभाचार्य जा जा करके अब यहाँ पर वर्णन किया गया है आगे कि महाप्रभु के भोजन तैयारी। देखिए वहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनिक वस्तु सब कुछ मिल रहा है, कोई कंटामिनेटेड नहीं, फ्रेश सब्जी, फ्रेश फल, निर्जल झरना से आता हुआ जल, ये सब कुछ वहां पर मिलता था। कई कई महाप्रभु जाते थे और कुछ ब्राह्मण लोग भी जाते थे, लेकिन ये ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, हरे कृष्ण वाले ब्राह्मण, समझ गया ना उनका कहने का मतलब, ये लोग शूद्र महाजन का राज है, शूद्र महाजन महाजन है, ब्राह्मण हो गए हैं कर्म से, वैष्णव बन करके भजन कर करके, तो महाप्रभु उन लोगों के घर में भी कभी कभी प्रसाद ग्रहण किया करते। और जो वीर लोग हैं उनका सौभाग्य देखिए कि वे लोग अपने घर में चावल लाते थे, दाल लाते थे, दूध लाते थे, घी लाते थे और बलभट्ट भट्टाचार्य पास पास का फीस बनाते थे। जंगल में भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां फर्स्ट क्लास बाजार की सब्जी नहीं, तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ ऑर्गेनिक सब्जी, शुद्ध जल, मिनरल वाटर बेचते हैं बना बनाया मिनरल वाटर, उस मिनरल वाटर में भजन बन जाता है। यहाँ मिनरल वाटर भजन बात कर बनाया जाएगा, हरे कृष्ण वाले बिस्लरी वाटर भजन बना और बड़ा स्वादिष्ट और लकड़ी पर बनता था, गैस नहीं था, चूल्हा नहीं था, लकड़ी पर, तो लकड़ी पर बना हुआ स्वादिष्ट होता है, सबसे अच्छा भोजन होता है, गोटा होता है,
तीसरा होता है कोयले का, तीसरा होता है गैस का, चौथा होता है सीमेंट का। हम लोग तीसरा चौथे क्लास का वो यहाँ करते हैं। देखो उधर तो भरा गया, हम आज आ गए ना सुनने के लिए। महाप्रभु के सेवा में सब लोग लगे हुए थे, सब लोग प्रभु भट्टाचार्य को बहुत आसान बना देते काम, सब कुछ मिले रहता और सेवा करते विभिन्न प्रकार के एक न एक प्रकार का सब्जियां प्रभु भट्टाचार्य करते थे, ये जंगल से प्राप्त हुआ करता था और उसे महाप्रभु को बताते थे। यहाँ प्रण किया गया कौन कौन सब्जी बनाते थे। भगवान चिंतन महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे, और वहाँ एकांत स्थल है। राम जी क्या बोल रहे हैं, चित्रकूट पुजारियों को छोड़कर चलना चाहिए, कभी चलना चाहिए। एनीवे तो भगवान चेतन महाप्रभु इस प्रकार से एकांत जंगल एकांत था, पशु पक्षी थे, कोई बुलावा नहीं था, भजन करने के लिए एकांत तो भी अच्छा होता है। तो वहां पर वे एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य ने बड़े प्रेम से भगवान चेतन महाप्रभु को पूछे, बलभद्र भट्टाचार्य आप हमारा इतना सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत कठिनाइयां जंगल से वस्तु लाने में। कहते हैं कि सुनो भट्टाचार्य स्वामी गेला बहु देश बने पथे भट्टाचार्य, मैं बहुत जगह भ्रमण किया, लोग कहते हैं कि जंगल में बहुत दुख होता है, लेकिन हमें जंगल से प्रवेश को हमें थोड़ा भी दुख नहीं है। लोग कहते हैं कि जंगल में दुख होता है, कितना आनंद का जंगल है। आप लोग सत्संग कर रहे थे भट्टाचार्य, कितना आनंद का जगह है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्लास का फ्रेश सब दिखा रहे हैं, दूध मिल रहा है, जो भी आता है दे करके आता है इस प्रकार। और कहते हैं कृष्ण बड़े कृपा, कृष्ण कृपा हमार बहु कृपा कैलो बने पथे ना आनी हमारे बहु सुख दिल। कृष्ण बड़े कृपा हैं कि हम जंगल का रास्ता छोड़े उनके कृपा से और जंगल में कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ। क्योंकि एक समय पहले भी हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए और सोचे कि नवदीप होकर के माता जी का दर्शन कर की माता का और गंगा स्नान करूँगा, विष्णु का दर्शन करूँगा, इस प्रकार से मैं वहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। लेकिन बड़ी परेशानी हो गई, मैं अकेला नहीं जा पाया, बहुत लोग साथ में आ गए जाने के लिए और वो यात्रा सफल नहीं हुआ, जिसके लिए सनातन उनको बतलाए कि उचित नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम अकेले जाए, इसलिए हम अकेले आए हैं इस जंगलों में। तो इस प्रकार सर्व भट्टाचार्य और बलभद्र भट्टाचार्य, हाँ बलभद्र भट्टाचार्य कुमार महाप्रभु आपस में वार्ता कर रहे थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे कि मेरा कितना सौभाग्य है कि आपका सेवा करने का अवसर मिला और उतना ही नहीं विचित्र विचित्र चीज देखने को मिला। ये हाथी शेर हरिण बाघ एक दूसरे के साथ में गलबाजी करके नाच और गा रहे हैं, ना तो ऐसा मैंने कभी पहले सुना था देखा। ये वाइल्ड लाइफ पहली बार देखा जहाँ पर कृष्ण प्रेम सब लोग नाच रहे हैं। प्रभु मुई चारा मोरा तुम्हें संग लय कैल कृपा
करी मुरे आते प्रभु इच्छा करो पति प्रभु मैं तो पति तुम आपका करके तुमको अपने साथ लाए ये आपकी महानता है और मैं जो कुछ बनाया आप ग्रहण किए ये सब आपका महानता है। आप तो मुझको गरुण जी का पद दे दिए, गरुण जी आपको होते रहते हैं, आपके कैरियर हैं। मैं तो एक कौवे के समान फिर भी आप ओरिजिनल लॉर्ड हैं, आप इंडिपेंडेंट लॉर्ड हैं और कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद दिए हैं कि मैं आपका सेवा कर सकूं। गरुण जी हनुमान जी सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप इस प्रकार से उपरण कर रहे थे। इस प्रकार से बल भद्राचार्य भगवान चंद्र महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे और उनका सेवा करते हुए अपने मन को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब झारखंड के जंगलों से होते हुए भगवान चंद्र महाप्रभु काशी आ गए। हे माता नासुके प्रभु आई लो काशी मध्याह्न स्नान करे मणिकर्णिका आशी आई पत्र में शुरू हो गया। महाप्रभु तीन बार स्नान करके प्रसाद ग्रहण करते और झरना में स्नान करते व्रत किया गया है कि झरना का पानी शुष्क पानी में गर्म पानी को हीटर की जरूरत नहीं। जाड़ा का दिन था, सुबह और शाम तपनी तापते थे यानी आग जलाकर कर महाप्रभु आग जलाते थे तापते थे। वो भी आगे था जंगल के इस तो जंगल के स्वर थे, इस ईश्वर जंगल अपना ईश्वर महाप्रभु को दान किया, ईश्वर के साथ अपनी सेवा किया। जंगल तो सब लोग सेवा कर रहे थे, जंगल स्वयं सेवा वृक्ष लता पताएं वहाँ के निवासी पशु पक्षी सब और यही जीव का भाव है भगवान का सेवा करें। जब सेवा करेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो झारखंड जंगल पवित्र स्थली है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा कर पाया और झारखंड के निवासी पवित्र हैं जो उनकी सेवा कर पाए। तो इस प्रकार के महाप्रभु काशी आ गए हैं और कल जो काशी के भक्त महाप्रभु थे वह कथा हम लोग कर सकते तो आज काशी विराम दे रहे हैं। किसी को प्रश्न है? अजान लंबित भुजौ कर्कावधातौ भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो बाहू है हाँ वो बड़े इतना ऊंचे जाने वाले अजान लंबित भुजौ अजान और कर्कावधातौ वो स्वर बड़ के दुरान महाप्रभु संकीर्तन जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको पिता हरिनाम के पिता कमला है छऊ कमल में विषम्भर गणाम विषम्भर है द्विवर ब्राह्मण परिवार के जन्म थे सिर्फ ब्राह्मण परिवार युगधर्म पालो कलयुग का जो धर्म है हरे कृष्ण उसका पालन स्वयं किए और लोगों से कराए बंदे गलत प्रिय करो परमा ये करुणा के अवसर भगवान जी का महाप्रभु जो जन जन के कल्याण के लिए प्रिय करने के लिए यहाँ पर आए वैसे ही महाप्रभु कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जी का महाप्रभु का और कोई प्रश्न माया बड़ी
कहते हैं ना कि दीप तले अंधेरा, दीप सब जगह प्रकाश पा रहा था, बिंदी भी अंधेरा रहता है। भगवान के साथ रहकर के यदि भगवान में मन न लगा हो तो माया को मांगेगा पुजारी तो क्या, हम ही लोग मंदिर में भगवान के अपने भगवान यहाँ पर है, यदि भगवान में मन नहीं लगा तो माया नहीं लगेगा, मन तो शांत नहीं रहेगा, एमटी नहीं रह सकता, कथा में मन नहीं लगा हो नहीं। तो काला कृष्णदास का मन भगवान की माया में लगा और माया के फॉर्म है इसीलिए आपका भाभी से मत मिला।